तो मेरे भाई कैसे हो सब लोग, आई होप सब मस्त होंगे, वैसे उधर काफी बढ़िया होंगे। तो मुझे पता है मेरे भाई काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही, एक मंथ से मैंने वीडियो नहीं डाला है क्योंकि भाई कुछ काम था, तुम्हारा भाई का भी काम होता है। भाई आज की वीडियो एक महीने के बाद आ रही है, बट मेरे भाई आपके लिए काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि भाई आज की काफी ढूंढ कर और काफी मेहनत के बाद मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई जो भी आपको कैरियर AI पर वेबसाइट पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे भाई कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोसेसिंग बहुत लेता है, आप फोटो की क्वालिटी बढ़ाते हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड मेरे भाई इससे आपको है ना आपको VPN आपको इसी में मिल जाएगा। और थर्ड मेरे भाई इस पर होने वाला है आपको लॉगिन, यानी आप एक ID से लॉगिन कर सकोगे। मैंने तो एक ID से मेरे भाई लॉगिन करके आप कैरियर AI को फ्री में यूज़ कर पाओगे। और सेकंड मेरे भाई फोटो भी डिलीट करना सिखाऊंगा, तो आपको सारे पॉइंट आपको फोटो डिलीट करना सिखाऊंगा। काफ़ी भाइयों को फोटो डिलीट करना नहीं आता तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लाना, जरा से भी स्किप नहीं करना मेरे भाई, आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लाना, आपका कैरियर AI वेबसाइट फ्री में आप यूज़ कर पाओगे। आपको अपग्रेड प्लान यानी कि प्रॉब्लम नहीं दिखने को मिलेगी मेरे भाई। आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हो, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ये लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि तुम्हारा भाई जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे भाई अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो डाला था, भाई आपने ये वीडियो देखा होगा। तो मेरे भाई इस पर बताया था मैंने अलग अलग ईमेल ID आप यूज़ करके आप कैरियर AI वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, अपने फोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बट मेरे भाई काफ़ी भाइयों को वर्क नहीं कर रहा था। तो ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करना क्योंकि भाई मैं भी भगवान नहीं हूँ, तो आपके मेरे अंदर ये ट्रिक वर्क करी तो आपके अंदर भी करेगी और करती है। तो मेरे भाई कॉमेंट बॉक्स में बताना आपके ये वर्क करती है नहीं करती है। तो बिना वक्त जाया कहे मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत लगती है। और मेरे भाई वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होती है होती कॉमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो इंस्टाग्राम पर यूजर नेम तो फॉलो भी कर सकते हो, ऊपर देख सकते हो यूजर नेम आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, तो फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए आज के मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई आपको सामने दिख रहा होगा एलोआ ऐप ब्राउज़र, तो ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मेरे भाई एलोआ ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम आपके पास होगा तो इससे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको मिस्टर साहू एडिट दिख रहा होगा तो यहाँ से जाके आपको देख लीजिए 900 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेना है और यहाँ आपको आपको दे दूंगा ब्राउज़र का लिंक मोड APK, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, सीधे यहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप सीधे ही डाउनलोड कर लेना तो मोड APK डाउनलोड कर सकोगे, जिससे आपको कोई परेशानी आएगी और सारा टूल्स आप फ्री वर्क कर पाओगे। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लीजिए लिख रखा है एलोआ ब्राउज़र टर्बो मोड APK, तो यहाँ से जाकर डाउनलोड आपको कर लेना है सीधे ही। ओके, तो इतना समझ में आ गया। और भाई ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड हम अब इसे हम ओपन करेंगे है ना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और हम इसे कर लेंगे एलोआ ब्राउज़र को ऑन। तो ऑन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो सेकंड स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग जमाएंगे। तो ऊपर आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से सेटिंग वाला आइकन ऊपर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको मैंने बताया था VPN भी आपको मिलता है, तो VPN आप देख सकते हो, आपको कोई दूसरा VPN ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो VPN आपको क्या करेगा, आपके जो स्लो लोडिंग में लेता है ना कैरियर ऐप पर आपका फोटो, तो आपको ये मतलब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा VPN, आप इस पर आपको कनेक्ट मिल जाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ दोनों को आपको फ़ोन कर लेना है, तो ऊपर आपके ये VPN बताने लग जाएगा, तो ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इसके बाद आपको ऊपर ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा VPN, तो ये हमारा ऊपर नोटिफिकेशन देख सकते हो VPN कनेक्ट हो चुका है। इतना हो जाने के बाद आपको मेरे भाई आपका ये प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड स्टेप भी आपको कम्प्लीट हो चुका है और आपको फिर से बैक आ जाना और आपको दिखेगा एड ब्लॉक, यानी कि आपके वो जो मेम्बरशिप वगैरह मांगता है ना तो वो नहीं मांगेगा। इससे आपको इसे भी ऑन कर लेना है सारे को है ना, एड ब्लॉक एनेबल एड ब्लॉक एक्सेप्टेबल एड ब्लॉक, तो सारे आपके ये एड बताएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर, अब यहाँ पर हम सर्च मारेंगे कैरियर AI आपको सर्च मार लेना है। तो मेरे भाई जैसे कि आपको सर्च करने के बाद आपके ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। भाई जैसे कि आप सीधे कैरियर AI वेबसाइट को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद मेरे भाई यहाँ तो यहाँ से मेरे भाई क्या है आपके लॉगिन मांगेगा, तो सिंगिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ से आपके सिंगिंग क्या करना है, आपको कंटिन्यू विद गूगल ईमेल ID पर कर सकते हो, यानी कि आप जिस ID को आपने यूज़ किया है, अगर आपके वर्क वो नहीं कर रहा है, आपने यूज़ कर लिया है 4-5 फोटो, आपने क्वालिटी बढ़ा लिया है, तो ध्यान से बात समझनी मेरी। तो भाई मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, जो मेरा अपग्रेड प्लान मांग रही है ना ईमेल ID, उस पर मैंने फोटो बनाया था और अपग्रेड प्लान मांग रही है, तो इसमें यूज़ करने के बाद मेरे भाई वो नहीं मांग रहा है, तो ईमेल ID क्या है वो फिर से वर्किंग करने लग गई। तो वो कैसे करता है तो वो आगे जाके मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो मैं उसी ईमेल ID से लॉगिन कर लूँगा, उसको लॉगिन करने के बाद आपको आगे क्या करना है आपको बता देता हूँ। ये कंटिन्यू हो जाएगा और आपके वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वो ID को आपको कर लेना है यूज़,
फिर इसके बाद आपको एक फ़ोटो को मैं क्वालिटी बढ़ा कर दिखाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा आगे आपको और भी कुछ करना है जिससे आपके केरिया है या फ्री में यूज़ करने लग जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हो ऊपर मैंने लॉगिन कर लिया पर लोगो नहीं दिखा रहा है, बाकी ईमेल आईडी पर लोगो दिखाता है, मैंने लोगो लगा रखा है बट मेरे भाई इस ब्राउज़र में नहीं दिखा रहा है क्योंकि भाई ये एकदम। तो मेरे भाई आप इसमें फ्री यूज़ कर पाओगे, जैसे कि मैं फ़ोटो को इनहेंस करके दिखाऊंगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा इनहेंस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरा भाई ये लोडिंग होगा, लोडिंग हो जाने के बाद मैंने भाई आगे दिखा देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बट मैंने भाई आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके ये वर्क करेगा, मेरे अंदर कर रहा है तो मेरे भाई आपके अंदर भी वर्क करेगा। और मेरे भाई अगर आपके वो आईडी में पहले से अपग्रेड प्लान मांग रहा है तो आपको आगे क्या करना है जिससे आपकी वो आईडी फिर से वर्क करने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको फ़ोटो को आपको क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई उस आईडी से मैंने पहले फ़ोटो कर रखा है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये फ़ोटो फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, है ना, फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा तो मैं आपको अब दिखाऊँगा आपके लोडिंग प्रॉब्लम मतलब फटाफट से हो जाएगा, आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं लेगा, काफ़ी घंटों तक टाइम लेता है तो आपको कुछ मिनटों में काम हो जाएगा। तो जैसे मैं 60x तक कर लूँगा और इनहेंस कर लूँगा तो नीचे आप देख सकते हो स्टार्टिंग हो रहा है ना, मैं यूज़ कर रहे हो और मेरे भाई उसमें इतना टाइम ले रहा है मतलब हो ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई आपके सामने ये फ़ोटो इनहेंस हो चुका है, कुछ एक मिनट लिया होगा इसने और अपने फ़ोटो को इनहेंस कर लिया, तो वो काफ़ी मतलब घंटों तक नहीं करता है बट मेरे भाई इसने इनहेंस कर लिया है। अब मेरे भाई अब मेरी बात सुनो, जैसे कि आपके लोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो हम आ जाएंगे इससे थोड़ा सा बेग आ जाएंगे, तो हम आते हैं अब चौथे पॉइंट पर। तो ये फ़ोटो जैसे कि इनहेंस आपके फटाफट से होने लग गया, अब इन फ़ोटो को आपको क्या करना है डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना है आपको, काफ़ी भाइयों को डिलीट करना नहीं आ रहा है तो डिलीट कैसे करना है आपको, नीचे थोड़ा सा स्वाइप करना जाना है, आपको ये 3 डॉट दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको आ जाएगा डेस्कटॉप मोड, तो ऐसा आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। तो मेरे भाई जैसे कि डेस्कटॉप मोड अपना ऑन हो जाएगा और नीचे आपको छोटा सा दिखेगा फ़ोटो, तो यहाँ से आपको डिलीट कैसे करना है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, तो नीचे आपको डिलीट वाला आइकन दिख रहा होगा, जैसे कि मैं जूम कर लूँगा इसे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप मोड ऑन करोगे तभी आपके ये फ़ोटो डिलीट होंगे, तो यहाँ से आप डिलीट करते जाओगे तो आपके ये फ़ोटो डिलीट हो जाएगा। तो इससे मेरे भाई क्या होगा, अगर आपके उस आईडी पर इतने सारे फ़ोटो हो रहे हैं इसके बाद अपग्रेड प्लान मांग रहे हैं ना मेरे भाई, तो यहाँ से आपको फ़ोटो डिलीट कर लेना है और उसके बाद आपको 24 घंटे बाद आपको इसे फिर से यूज़ करना है तो आपके प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। मेरे भाई वर्क कर रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो मेरे भाई जाके एक बार ये ट्राई करो, आपके प्रॉपर मैंने सेटिंग बताई सारा, आप वर्क कराओ और ये ट्रिक आपको डिलीट कर लेना है फ़ोटो और आपको 24 घंटे बाद इसे फिर से यूज़ करना है तो आपके वर्क करने लग जाएगा। तो मेरे भाई आपको कमेंट में बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो मेरे भाई आपके लिए मैंने एक महीने के बाद वीडियो बनाया, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये ब्राउज़र ढूंढ के लाया हूँ। अगर आपके वर्क करें तो लाइक ज़रूर कर देना और एक कॉमेंट कर देना प्यारा सा। तो तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।